गुड मॉर्निंग किड्स हाउ यू ऑल होप यू आर फाइन एंड सेफ आई एम ऑल्सो फाइन एंड सेफ ऑल्सो सो विच क्लास इज दिस क्लास फोर वेरी गुड वॉट वी आर गोइंग टू लर्न टूडे ओके लेट मी शो यू समिंग चलिए मैं आपको कुछ दिखाती हूँ और आप मुझे बताइए वो क्या है वॉट इज दिस हम्म यस नेस्ट ओनली नेस्ट यस एग्स आर आल्सो देयर है ना अंडे भी दिख रहे हैं ना किसके अंडे वेरी नाइस बर्ड्स के है ना नेस्ट में कौन रहता है बर्ड्स तो ये अंडे किसके हैं बर्ड्स के, है? के. चलिए आपके लिए कुछ और भी है हियर आई I... सो मेनी टाइप्स ऑफ बर्ड्स आपने बहुत सारी बर्ड्स को पहचान लिया होगा स्पैरोस सो मैनी बर्ड्स आर देर नाउ टेल मी विच लेसन वी आर गोइंग टू रीड टूडे लेसन सेवन वट डिटिल बर्डी से रिपीटेड लेसन सेवन

डे लिटिल बर्डी चिड़िया का छोटा बच्चा चिड़िया का छोटा बच्चा जो है वो क्या कह रहा है अपनी नेस्ट में बैठकर अपने घोंसले में बैठकर पीप ऑफ डे यानी सुबह के समय सूरज निकलने के समय अपनी मां से कुछ कह रहा है क्या कह रहा है

दीजिए बर्डी रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर टिल द लिटिल विंग्स आर स्ट्रॉन्गर बर्डी रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर टिल द लिटिल विंग्स आर स्ट्रॉन्गर और उसकी माँ से क्या कह रही है जो मदर बर्ड है वो बर्डी से क्या कह रही है रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर यानी अभी आप थोड़ा आराम कीजिए टिल द लिटिल विंग्स आर स्ट्रॉन्गर जब तक कि आपके ये छोटे-छोटे पंख स्ट्रांग यानी मजबूत नहीं हो जाते तब तक आप क्या कीजिए थोड़ा सा आराम कीजिए सो शी रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर देन शी फ्लाइज अवे यू कैन सी कि उस चिड़िया के बच्चे ने रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर थोड़ा सा इंतजार किया थोड़ा सा आराम किया देन शी फ्लाइज अवे और जब उसके पंख मजबूत हो गए वह क्या हो गई फ्लाइज अवे दूर तक उड़ गई तो क्या समझ में आया इस पोयम से जी हाँ आप अभी छोटे हैं ना तो मम्मी पापा आपकी केयर करते हैं आपको समझाते हैं ठीक है कि बेटा ये करना है और ये नहीं करना है तो आपको क्या करना है उनकी बात माननी है ठीक है वेरी नाइस nice. तो चलिए बच्चों हम इस पोएम से कुछ एक्सरसाइज करते हैं ठीक है चलिए आपने पोएम तो पूरी पढ़ ली अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी रिलेटेड पोएम इस पोयम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करूंगी जिसका आंसर आपको देना है, अच्छे से सुनी है ना वेरी गुड इज दीड एंड द करेक्ट आंसर आपको क्वेश्चन पढ़ना है आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको सही ऑप्शन में टिक लगाना है यानी सही का निशान लगाना है फर्स्ट इज

तो आप मुझे जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या है ठीक है सोच कर रखिए जब तक हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर टू इज पीप ऑफ द डे मींस पीप ऑफ द डे का मतलब क्या होता है क्या होता है मैंने अभी आपको समझाया ना ऑप्शन देखिए ए इज एट सन राइज यानी सूर्योदय बी इज एट ट यानी सूर्यास्त सी इज ड्यूरिंग नून यानी दोपहर के समय एंड डी इज ड्यूरिंग नाइट यानी रात के समय अब आपको मुझे सोचकर बताना है कि सही आंसर क्या है सोच लिया वेरी गुड तो पहले का सही आंसर क्या है हु सेज मदर मी फ्लाई अवे सो नाइस ऑप्शन नंबर सी लिटिल बर्डी लिटिल बर्डी से मदर लेट मी फ्लाई अवे नंबर टू इज पीप ऑफ डे मींस वेरी नाइस एट सनराइज सूर्योदय का समय जब सूरज उगता रहता है है ना तब आपने चिड़ियों की चहचहाट सुनी है ना यस ओके नंबर थ्री इज Did mother bird allow birdie to fly away? क्या मदर बर्ड bird ने बर्डी को उड़ने के लिए परमिशन दी ऑप्शन आर ए यस बी नो सी अनसर्टन तो आप मुझे सोचकर बताइए या परमिशन दी या नहीं अगला क्वेश्चन देखते हैं नंबर फोर इज बर्डी वॉस आस्ट टू वेट अ लिटिल लॉन्गर बिकॉज है ना मदर बर्ड ने बर्डी को वेट करने के लिए कहा क्योंकि क्यों कहा ऑप्शन शी डिड नॉट नो हाउ टू फ्लाई नंबर बीज शी कु नंबर सी इज हर विंग्स वर नॉट अ स्ट्रॉन्ग यट नंबर डी इज मदर बर्ड कुड नॉट फ्लाई

Yes, her wings were not strong yet. उसके पंख मजबूत नहीं थे इसलिए मदर बर्ड ने क्या कहा आप थोड़ा सा वेट कीजिए Till your wings are stronger. Very good. चलिए बच्चों आपके लिए एक और काम Question number टू is look and say. And what is the question? Fill in the blanks with the correct form of words in bracket. आपको क्या करना है खाली जगहों पर वर्ड का करेक्ट फॉर्म भरना है। कौन से वर्ड्स का जो आपको ब्रैकेट में दिए हुए हैं कुस्तक में आपको वर्ड्स दिए हुए हैं साथ ही आपको पिक्चर भी दी हुई है उस पिक्चर को देखकर आपको वर्ड का करेक्ट फॉर्म फिल करना है ओके So, I'm going to read number one. The red kite is blank than the blue kite. You can see the picture. Red kite is what? Bigger. Very good. Number two is the blue kite is blank than the red kite yes you can see blue kite is small so bracket mein aap kya bharenge? so blanks mein aap kya bharenge? smaller the blue kite is smaller than the red kite very good number 3 is you can see the picture the picture of hawk and the picture of duck so the question is

इसलिए तो वो ऊंचे आकाश में उड़ सकता है है ना ठीक है नंबर फोर इज अ अट्रस इज ब्लैंक देन अ मैट मैट्रस यानी गद्दा और मैट यानी चटाई है ना तो मैट्रस क्या होते हैं सॉफ्ट तो सॉफ्ट का कौन सा फॉर्म आएगा सॉफ्टर वेरी गुड अ मैट्रस इज सॉफ्ट देन अ री गुड किट्स सो ना द लास्ट वन अक्रोच इज ब्लैंक यू कैन सी दिक्चर है ना कॉकरोच क्या है साइज में बड़ा है और एंट क्या है साइज में छोटी है तो आप ब्लैंक्स में क्या भरेंगे कॉक्रोच इज लार्जर देन एन एंड ओके आपको ये चीज समझ में आई होगी है न अब आपके लिए कुछ काम होमवर्क और बहुत ईजी पीजी सा होमवर्क है ठीक है आपने अपने आस पास बहुत सारी चिड़िया देखी हैं सो वॉट यू हैव टू डू इज नेम दर्द्स यू हैव सीन अराउंड यू आपने अपने आसपास जितनी चिड़ियों को देखा है आपको क्या करना है उनके नाम लिखने हैं एंड नंबर टू इज पेस्ट पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स इन योर कॉपी और सिर्फ नाम ही नहीं लिखना है उन बर्ड्स की पिक्चर यानी चित्र ढूंढकर अपनी कॉपी में चिपकाना है ठीक है किड्स तो होप आप ये होमवर्क जरूर कंप्लीट करके रखेंगे सो so, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टिल देन बाय टेक केयर